सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सुशांत लोक इलाके में एक फर्जी तरीके से चल रही कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम की साइबर क्राइम की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध तरीके से चल रही कॉल सेंटर पर रेड की, जिस दौरान आधा दर्जन लड़कियों समेत दर्जनों लोग वहां विदेशों में बैठे लोगों को तकनीकी सहायता दे रहे थे। जैसे ही रीडिंग पार्टी की टीम मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की तो पता चला कि तमाम लोग US में बैठे लोगों को Amazon और Apple कंपनियों के तहत सहायता प्रदान करते थे और उनसे $10 से लेकर $200 तक वसूल करते थे। पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उन्होंने कॉल सेंटर का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार किया, जिसमें आधा दर्जन युवतियां और करीब 6 की संख्या में कॉल सेंटर का मालिक और संचालक समेत कुल 12 लोग शामिल हैं। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। शुरुआती जांच के माने तो इस कॉल सेंटर संचालक की कई और ब्रांचें भी शामिल हैं, जहां इस तरह की तकनीकी सहायता के नाम पर विदेशी मूल के नागरिकों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। 21 तारीख को साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम के साथ हमने कॉल सेंटर बस किया था, जिसमें अमेजन, एप्पल, ईबे, एटसी की कस्टमर केयर सपोर्ट के नाम पर विदेशों से एक कॉल सेंटर में लोगों भारतीय ठगते थे। एक टोल फ्री नंबर जिसको हम TFN कहते हैं, वो उससे कई सारी कॉल्स इनके कॉल सेंटर में रिडायरेक्ट होती थी, जिसके थ्रू ये वहाँ पे विदेशों से संपर्क करके उनको सर्विसेज प्रोवाइड करके, फेक सर्विसेज प्रोवाइड करके उनसे गिफ्ट कार्ड के थ्रू पैसे जपते थे और उनको ठगी करते थे। मौके से 9 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं और 3 लोगों के इसमें रिमांड लिए गए थे, जिनके इंटेरोगेशन के दौरान 3 और लोग गिरफ्तार अभी, और टोटल 12 लोग इसमें अभी तक गिरफ्तार हो चुके। ये अगेन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और $10 से लेकर $200 तक के प्रत्येक एक फॉरनर से ठगी करते थे। ये अमेजन, एप्पल, ईबे, एटसी, इन सारी जो बहुप्रचलित कंपनीज हैं, इनके नाम पर ये ठगी करते थे। इनसे 4 फ़ोन, 6 लैपटॉप और 92,000 रुपये मौके से रिकवर हुए। एक कॉल सेंटर का इसमें हमने जो मालिक गिरफ्तार किया है, उसके इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता चला कि उसका एक और सब सेंटर यहीं गुरुग्राम में चलता था, जहाँ पे बाकी कॉल्स डिवाइड होके लोगों से सेम मॉडस ऑपरेंडी में ठगा जाता था। वो सारे के सारे एक बेसमेंट में बैठ के सारे के सारे जो फॉरनर्स हैं उनको ठगते थे। अब ये तो आने वाला वक्त और पुलिस की जांच में ही मालूम पड़ेगा कि इन लोगों के तार और कहां कहां पर जुड़े हैं और कितने कॉल सेंटर इनके द्वारा चलाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी तफ्तीश कर रही है। द ग्राउंड न्यूज के लिए गुरुग्राम से संवाददाता अनुज पांचाल की रिपोर्ट।